Assalamu alaikum, sir. Dr. Parashat is here. And today, this lecture, maybe you can see, will cover chapter number 13. Aaj hum start karenge chapter number 13, which is planning, survey, and evaluation. In the meanwhile, I would like you to type in the chat box. Agar aapko awaaz meri clear aa rahi hai, ya nahi clear, whatever. So, अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज उसमें लिख दें सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद माय लेक्चर एंड इफ इट्स नॉट देन आई कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम एंड आपको आवाज़ मेरी आ जाएगी. Participants are still 14. I don't understand why this is such a low number. हमने स्टार्ट करने में दैट इज प्लानिंग सर्वे सर्वे प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन. और सबसे पहले हम लोग प्लानिंग स्टार्ट करने के व्हाट इज अ प्लानिंग. तो आपको दिस इज द स्टार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 13 व्हिच इज ऑन पेज नंबर 251. तो व्हाट इज एग्जैक्टली इज अ प्लानिंग. ओके, हमने पहले ये सेट करना है कि प्लानिंग क्या चीज है. So planning, better planning which is a systematic approach that defines a problem, that set priorities, that develops the specific goals and objectives, and determines alternate strategies and method of implementation. Planning. इसकी डेफिनेशन जो है आपके बुक में लिखी हुई है. इट इज प्लान इज द डिसीजन अबाउट कोर्स ऑफ एक्शन. आपने अपना जो एक्शन है उसके ऊपर आपको किस तरीके से काम करना है और किसको किस तरीके से आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है. सो दिस वाज गिवन बाय बैनफील्ड. सो इट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच. मैं आपको पहले बताया था कि ये क्या काम करता है, इसकी डेफिनेशन क्या कैसे आती है. इट इज द डेफिनेशन अप्रोच टू डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, सेटिंग प्रायोरिटीज, डेवलपिंग स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमिनिंग ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज एंड अ मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. जब भी आप कोई चीज सर्वे से सर्वे प्लान करते हो, आप लोगों ने पहले उसके बारे में अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रॉब्लम डिफाइन करना है, क्या एक कैसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ये काम कर रहे हैं. ठीक है, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, देखिए ये सर्वे किन लोगों में किया जाए और अपना स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपने क्लियर करने हैं. If my voice is interrupted, I should again start from the beginning.
इट इज प्लान के बारे में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि इट्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच, हमेशा जो भी चीज होती है सिस्टमेटिक अप्रोच आती होगी, तो आपने एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना है और उसके प्रॉब्लम के बारे में अपनी प्रायोरिटीज जो है सेट करनी है, एंड देन आप लोगों को उसकी स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, ठीक है, और उसके ऊपर ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज ही बनानी है, एंड इट्स अ मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। प्लानिंग इज द डिसीजन अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, ये कोर्स ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि डिफाइन करना है और उसको प्रायोरिटी सेट करनी है, डेवलप स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज एंड मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। हमने किस तरह इस्तेमाल करना है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पर्पज ऑफ प्लानिंग। Then you will eliminate the wasteful expenditure and duplication of expenditure. So, हम लोगों ने अपना जो जो एक्सपेंडिचर है उसको हमने एलिमिनेट करना है, उसको जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर उसको हमने ये प्लानिंग के थ्रू ही होता है। Third purpose is to develop the best course of action to accomplish the defined objective. आवाज क्लियर होगी आप लोगों को, महानूर एंड अलीशा, my voice is clear now. आवाज अब ठीक आ रही है आप लोगों को? Okay, I will try to speak a little louder. So we'll start with this again कि हमारे पर्पस क्या है प्लानिंग के। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपने अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना है जो कि एक प्रॉब्लम पोज कर सकते हैं आपके, ठीक है। देन कम्स आपने एक्सपेंडिचर जो है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर उसको एलिमिनेट करना है, ये आपका पर्पज है प्लानिंग का। प्लानिंग का पर्पज ही ये दो तीन चीज़ें होती हैं जिसके बेस पे आप जाके अपने
something? What's something? चैट में देख रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है, चेक करना है। आई होप मेरी आवाज आप सब लोगों को क्लियर आ रही होगी, लाउड एंड क्लियर। Now, to develop a third purpose of planning, kya hota hai? To develop the best course of action to accomplish a defined objective. Apna objective jo hai, wo defined objective jo hai, wo usko achieve karne ke liye apne best course of action jo hai, usko develop karna hota hai. Theek hai? So these are the purpose of planning. So, in broader sense, हमने क्या कर सकते हैं? So there are three steps. First is plan formulation. Then उस पर plan को जो हम execution करते हैं और in the end उसको evaluation करते हैं. देखिए evaluation is very important. किसी भी चीज की evaluation जो है वो बहुत ज़्यादा important हो सकती है. उसका reason क्या है? कोई भी चीज अगर आपने बगैर evaluation के कर की है तो आपको उसका सक्सेस रेट पता नहीं चलेगा कि आपने किस सक्सेस के साथ आया, इफ यू आर सक्सेसफुल विद इट और नॉट. ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है प्लान फॉर्मेशन. और प्लान फॉर्मेशन इज द बेसिक स्टेप. तो पहला स्टेप ही प्लान फॉर्मेशन है एंड उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन एंड देन उसकी इवेल्यूएशन. ओके, तो स्टेप्स क्या है प्लानिंग के? फर्स्ट इज वी हैव टू नीड conduct the need assessment test and then we have to determine the priorities and then we have to develop the goal and objective and activities, identification of resources and constraints. हमने अपना identification of courses, resources भी हमने देखने कि हमारे पास क्या resources हैं and then after that implementation, supervision and evaluation of and revision. So these are the basic course जो steps हैं ये आपकी जो planning process में ये आपकी ये वाली चीजें आती हैं. ठीक है, now we have to conduct the need assessment. So need assessment is हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे जो है we have to coordinate with the research activities of other agencies interested in obtaining similar health information on the given population. ये हमारे पास एक वो चीज है जिसे हम किस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद द रिसर्च एक्टिविटीज विद अदर एजेंसीज जो कि इंटरेस्टेड है इसी सिमिलर रिजल्ट फॉर्म इंफॉर्मेशन लेने के लिए. देन वी हैव इन्वेस्टिगेट सर्वेज दैट हैव बीन इन डन इन द पास्ट बाय अदर ऑर्गेनाइजेशंस, डेटा क्वेश्चनेयर एग्जामिनेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन. ओके, okay.
इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी होती है, वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है हमने, उसमें जनरल इंफॉर्मेशन है। जनरल इंफॉर्मेशन में बेटा आपके पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल आ जाते हैं, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, डाइट आ जाता है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस आ जाता है, एथनिक बैकग्राउंड आ जाता है, एंड स्कूल सिस्टम आ जाते हैं। ये आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसे हम जनरल इंफॉर्मेशन कहते हैं। देन कम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंटल डिजीज, के आपके जो डेंटल डिजीज है वो किस हद तक या कहाँ पे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। एंड देन करंट स्टेटस ऑफ डेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, पॉलिसीज क्या होती हैं आपकी, ठीक है, फंड्स, फैसिलिटीज, लेबर क्या है, प्रिवेंटिव डेंटल प्रोग्राम एग्जिस्टिंग क्या है, ये चीज़ें होती हैं। ओके, जो एनालिसिस ऑफ डेटा है वो किस तरह होता है बेटा, उसमें हमने एनालिसिस ऑफ डेटा को हम लोगों ने किस बेसिस पे हमने उसको ऑब्टेन करना था। फर्स्ट वन इज सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, उसमें कौन कितना इसमें अपर क्लास है, मिडिल क्लास है एंड लोअर क्लास है हम आपके आपकी, और ये इस वजह से होता है कि वेदर द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड डेंटल केयर और डेंटल ट्रीटमेंट। देन कम्स पॉपुलेशन ब्रेकडाउन आ जाता है, उसके अंदर नंबर ऑफ डेंटिस्ट आ जाते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, आपके पास एजुकेशनल स्टेटस आ जाता है, ये आपके जो लोग हैं वो कितने एजुकेटेड हैं। Now comes determining priorities. मानो रब्बा आवाज आपको क्लियर आ रही है, काइंडली चेक एंड रिस्पॉन्ड प्लीज। मानूर आई होप माई वॉइस इज क्लियर नाउ। ओके, सो सिंस ओके नाउ इफ माय वॉइस इज क्लियर नाउ, हम लोग थोड़ा सा पीछे जाके एक मतलब दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो आपके स्टेप्स जो हैं प्लानिंग में वो मैं आपको पहले बता रहा था कि फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज कंडक्टिंग नीड असेसमेंट, कि आपकी जो नीड है वो असेसमेंट वो क्या क्या है। देन यू हैव टू डिटरमिन द प्रायोरिटीज, कि आपने कौन कौन सी प्रायोरिटीज पे आपने काम करना है, ठीक है। And then comes development of goals, objectives, and activities. And or un goals ko achieve karne ke liye you have to identify the resources and constraints. Constraints kya hote hain ki jo bhi hurdles aa rahi hoti hain usko humne wo dekhna hota hai. And then implementation, supervision, evaluation, and revision. So need assessment kya cheez hoti hai? Need assessment beta ye cheez hoti hai ki aap logon ne ab किसी भी चीज को आपने डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी एक्सटेंट क्या है और उसकी सीवियरिटी क्या है, ठीक है जी। एंड देखो एक चीज मैं समझता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो कि ट्रीटमेंट नीड, हमारे जो नीड असेसमेंट है वो हमारे ट्रीटमेंट नीड्स हैं कि हमारे जनरल पब्लिक की नीड असेसमेंट क्या क्या है, ठीक है। Okay.
एंड नीड असेसमेंट जो होगी वो हमने देखना है. हमने उसके लिए अगर फंड्स लेने हैं तो हम लोगों ने कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेट करना है विद द सिमिलर हेल्थ इंफॉर्मेशन जो कि एज आपकी पॉपुलेशन को ले रही है, एजेंसीज ले रही हैं, उनसे करना होता है, जो कि WHO भी हो सकती हैं, जो कि आपकी लोकल गवर्नमेंट हो सकती है और NGOs हो सकती हैं. ये सारी वो जगह हैं जहाँ से आप लोग ये अचीव कर सकते हैं. ठीक है, ओके. इंफॉर्मेशन गैदर को आप जो आपने करनी होती है वो है, वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स की हैं, उसमें से जनरल इंफॉर्मेशन होती है. जनरल इंफॉर्मेशन क्या क्या आ जाता है आपके पास, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल आ जाते हैं, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, डाइट, सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस आ जाता है, एथनिक बैकग्राउंड आ जाते हैं. ओके, देन पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिजीज है, उसके आप उसके बारे में आप जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हैं. देन करंट स्टेटस ऑफ डेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स आ जाते हैं, पॉलिसीज आ जाती हैं, फंड हैंड्स फंड्स फैसिलिटीज एंड लेबर आती हैं, प्रिवेंटिव डेंटल प्रोग्राम एग्जिस्टिंग आते हैं, वो चीज़ें आती हैं. ठीक है, और प्रिवेंटिव डेंटल प्रोग्राम जो है उसमें से इसकी एग्जाम्पल जो है वो आपको पता है, वन इज डेंटल फ्लोरिडेशन. ओके, तो एनालिसिस ऑफ डेटा जो है वो आपको आपने देखना होता है कि इंफॉर्मेशन जो आपने गैदर किया उसको किस तरह एनालाइज किया जाएगा. आपने जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वो चेक करना है कि आपका जो पॉपुलेशन है वो कौन कौन से क्लास में फॉल करती है. फर्स्ट वन इज अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड फर्स्ट लोअर मिडिल क्लास, लो क्लास. पॉपुलेशन बैकग्राउंड आ जाता है कि आपकी कल्चर लैंग्वेज क्या है, इश्यूज क्या है, कल्चरल इश्यूज क्या है. देन कम्स आपके जो है एज डिस्ट्रीब्यूशन आती है, एजुकेशनल स्टेटस आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है, एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज आती हैं, एंड इसके अलावा फ्लोराइड स्टेटस भी आता है. ओके, अब हमने ये देखा कि डिटरमिनेंट प्रायोरिटीज क्या हैं, आपने प्रायोरिटीज को किस तरह डिटरमिन करना है. ओके, इट इज अ मेथड ऑफ व्हाट इज डिटरमिनिंग प्रायोरिटीज. इट इज अ मेथड ऑफ इम्पोजिंग पीपल्स वैल्यूज एंड जजमेंट ऑफ व्हाट इज इंपोर्टेड इनटू द रॉ डेटा यूज्ड. So it is a method of imposing people's value and judgment of what is important into the raw data used. इसका मतलब ये हुआ कि अपने resources को, अपने resources अगर आपके पास limited हैं, priorities आपने set करनी हैं ताकि आप most difficult allocation, अपनी जो allocation है उसको अचीव कर सको. सेटिंग प्रायोरिटीज अमंग प्रॉब्लम्स एलिसिटेड थ्रू नीड्स असेसमेंट फॉर रैंकिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स. फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, हु नीड्स केयर मोस्ट, हमने कौन कौन से जो देखनी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है. फर्स्ट वन इज हु नीड्स द केयर मोस्ट, किन लोगों का ये केयर डेंटल ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, उनको उनको जरूरत है. एंड व्हाट इज द डिजीज अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, द मोस्ट प्रेविलेंट जो अफेक्टिंग जो डिजीज है वो. एंड थर्ड वन इज हाई रिस्क ग्रुप, के एक ऐसे कौन से ग्रुप हैं जिसको जो दैट आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग दैट डिजीज. Development of program goals, objectives, and activities. So this is our third subject, third step. जिसके बारे में हमने बात की थी. First one was need assessment. Other one was determining priorities. A third one is development of program goals, objectives, and activities. Program goals are broad statement on the overall purpose of program to meet the defined problem.
प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मोस्ट देयर शुड बी मोस्ट स्पेसिफिक, ठीक है जी, एंड डिस्क्राइब इन अ मेजरेबल वे टू डिजायरेबल एंड रिजल्ट्स ऑफ प्रोग्राम एक्टिविटीज. ओके, Now we come to the next जो हमारा next step है, that is development of program goals, resources and objectives and activities. So resources क्या होते हैं? Resources to be considered. अब मैं resources अपने सबसे पहले consider करना क्या? बस how many number of people that can carry out that reserve, that survey, aapke equipment kya hai and supply kya hai, aapke facilities kya hai and financial resources kitne hai. Okay, criteria, what is the criteria to determine what resources to be included? First one is appropriateness hoti hai, usme ye hota hai ki aapke the most suitable resources hain to get the job done should be selected. Adequacy, this refers to the extent or degree to which the resources would complete the job. Effectiveness, kya hoti hai ki how capable resources are at fulfilling the objective. And efficiency, kya cheez hoti hai, it refers to the cost and amount of time expended to complete the job. So char criteria hai aapke paas to determine the resources: appropriateness, adequacy, effectiveness and efficiency. Constraints beta kya hote hain? Ye beta obstacles hote hain aapke to meeting the program. Aur isme kya kya cheez aata hai, isme aapko funding aapke paas nahi ho to na ho to ye aapka ek constraint hai, theek hai. Adequacy of transport system, आपने कहीं पे जाना है सर्वे लेने के लिए और आपके पास इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, लेबर शॉर्टेज हो, ठीक है, लैक ऑफ इनएडिक्वेट फैसिलिटीज हो, या फिर नेगेटिव कम्युनिटी एटीट्यूड हो, लैक ऑफ टाइम हो, या फिर एक बैरियर होता है, लैंग्वेज बैरियर होता है वो हो, ये सारे सारे कंस्ट्रेंट हैं, ठीक है. एंड ये कंस्ट्रेंट आपके किसी भी चीज को डिले करते हैं, आपके सर्वे को डिले कर सकते हैं, ना सिर्फ डिले कर सकते हैं बल्कि उसको एट हॉल्ट पे लेके आ सकते हैं. तो ये वो चीजें हैं जो मैंने आपको बता रहा था कि फैसिलिटीज नहीं है, नेगेटिव कम्युनिटी एटीट्यूड है और लैक ऑफ टाइम है. एंड व्हाट आर द ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज? अगर आपके पास कॉन्स्ट्रेंट हैं आपके पास किसी भी सर्वे को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसके लिए उसमें आपके पास क्या क्या चीजें हैं, प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, आपने तो किस तरह से उसको मेजर करने के लिए किस तरह आप क्या क्या आपने प्लानिंग की है. अगर कॉन्स्ट्रेंट आपके पास और रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, तो आपने इसमें इट इज इम्पोर्टेंट टू जनरेट अ नंबर ऑफ ऑल्टरनेट प्रोग्राम प्लान, प्लान बी भी आपके पास होना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट वन मे बी कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्टेबल. लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से प्लानर नीड्स टू कंसिडर एंटीसिपेटेड कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव. अब जो प्लान बी जो है ना आपके पास, उसके भी आपने उसकी भी आपने एंटीसिपेट करना है, कॉस्ट क्या होगी, इफेक्टिवनेस क्या होगी, ये सारी चीजें करनी होती हैं, ठीक है. Then comes implementation, supervision, evaluation and revision. So this is very important. मैंने आपको बताया था किसी भी चीज की evaluation जो होती है वो सबसे ज्यादा important होती है, ठीक है. और evaluation को हम किस नाम करते हैं? Okay, सबसे पहले हम देखते हैं कि what are the this is the process of putting the plan into operation is referred to as implementation phase. Okay, what are the rules of implementation? First one, आपने अपने activities को specifically clearly अपने करना है, ठीक है.
and you have to be sure that someone is responsible for the whole activity. आपका लीडर होना चाहिए, आपके पास अपने हर बंदे को जो भी एक्टिविटी दी है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सो दैट ही कैन कैरी आउट द डिफरेंट टास्क. आइडेंटिफाई ऑल प्रिपेरेटरी स्टेप्स टूवर्ड्स डूइंग दैट एक्टिविटी. लिस्ट, यू शुड लिस्ट द स्टेप्स इन ऑर्डर इन विच दे मस्ट अकर. चेक फॉर द मिसिंग स्टेप्स दैट मस्ट बी एडेड. फिर आपने क्या करना है, डिटरमिन व्हेन ईच स्टेप शुड बी बिगिन एंड एंड. कंसल्ट द ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टेड बाय एक्टिविटीज, आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, प्रेजुडिसेस एंड सो ऑन. ये सारे सारे आपने इस तरीके से चलना है. ये जो सारे सारे स्टेप्स हैं आपको बताएंगे स्पेसिफिक व्हाट रिसोर्सेज विल बी नीडेड एंड देयर रिसोर्सेज क्या होंगे, उनके रिसोर्सेज क्या होंगे. स्पेसिफिक व्हाट कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी एड्रेस्ड. आपने अपने कंस्ट्रेंट को पहले ही आपने फोर्स ही करना है और उसको एड्रेस भी करना होता है. मेक श्योर ऑल पीपल इन्वॉल्व्ड नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड बाय व्हेन. मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड रिवाइजिंग द प्रोग्राम. इट इज अ कंटिन्यूस सर्विलेंस एक्चुअली ऑफ ऑल एक्टिविटीज. सक्सेस इज डिटरमिंड बाय मॉनिटरिंग. हाउ वेल मॉनिटरिंग में किसने होता है कि आपने को किसी चीज मॉनिटर करना होता है कि प्रोग्राम जो है हाउ वेल द प्रोग्राम इज मीटिंग द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव. हाउ वेल द इंडिविजुअल्स आर डूइंग देयर जॉब. हाउ वेल इक्विपमेंट फंक्शन एंड हाउ अप्रोप्रिएट एंड एडुकेट फैसिलिटीज आर. आपकी सक्सेस जो है वो इसी चीज पे, ये चार चीजों पर डिटरमिन कर रहा होता है. ठीक है जी. Okay, this is a chart. That is given to you on your page number 224. ये वही चार्ट है जो कि अभी हमने ये सारा चीजें अभी हमने पढ़ी हैं. ठीक है जी. So identify a problem. Identify a problem करने के लिए पहले conduct a need assessment. और नीड असेसमेंट से क्या होता है देखिए मैं आपको ये देखना. अगर मेरा आपको नीड असेसमेंट से आप डेटा कलेक्ट करते हो एंड अपनी प्रायोरिटीज हैं उनको डिटरमिन करते हो एंड उसके बाद फिर आप डेवलप प्रोग्राम गोल्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज एंड उसके बाद फिर आप करते हो आइडेंटिफाई वे अवेलेबल रिसोर्सेज. उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई कॉन्स्ट्रेंट्स उनको आइडेंटिफाई करते हैं एंड आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज. और फिर आगे क्या जाते हो, गिवन द रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेंट्स चूज द दोज एक्टिविटीज दैट विल बी मोस्ट इफेक्टिव. डेवलपमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी. इम्प्लीमेंट, मोनिटर, इवेल्यूएट एंड रिवाइज एंड दिस इज अ ऑनगोइंग फेज. ओके. ओके ना, सिंस आवाज क्लियर नहीं आ रही थी मैं आपको दोबारा एक जगह से आपको दोबारा शुरू करता हूँ. वी शुड स्टार्ट द लेक्चर अगेन. सो वन इज, सो हमने आप पहले स्टार्ट करना है कि सर्वे, प्लानिंग एंड इवेल्युएशन. ओके. सो व्हाट इज अ प्लानिंग. आप जो डेफिनेशन दी हुई है आपकी बुक में, दैट इज अ प्लान इज अ डिसीजन अबाउट अ कोर्स ऑफ एक्शन. कि आपने अपने कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में जो डिसीजन लिया है दैट इज अ प्लान, दैट इज योर प्लान. ओके. इसी आपकी बुक में एक और डेफिनेशन है कि इट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू फाइव थिंग्स. फर्स्ट वन इज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम.
अपने प्रॉब्लम जो है उसको डिफाइन करना है कि ये हमारी ये क्या है, ये प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में, ये प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में, डेंटल हेल्थ के लेकर ये प्रॉब्लम चल रही है, केरियस प्रॉब्लम चल रही है आपके, या फिर आपके जो कम्युनिटी में वो पेरिडोंटल डिजीज जो है वो एक प्रॉब्लम है वो चल रही है, उसको डिफाइन करना है और देन सेटिंग प्रायोरिटीज, उसको देखना है कि आपकी कौन कौन से प्रॉब्लम्स को विच इज वट प्रॉब्लम इज जिसको जो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम जिसको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए. देन डिवेलपिंग स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनिंग ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज एंड ए मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. सो दिस इज अ प्लान, दिस इज डेफिनेशन ऑफ प्लान. ओके purpose of planning kya hai. So what are the purpose of planning? First one is to match the limited resources with many problems. aapne jo problems hai unke liye aapne jo limited resources hai unko match karna hai, theek hai ji. Second one is to eliminate wasteful expenditure or duplication of expenditure, taaki aapne agar dekhen kai matlab ye hota hai ki aap kai cheezon pe aap कई मतलब ज्यादा कई ज्यादा मतलब आप एक्सपेंड कर चुके होते हो, एक चीज पे बार बार एक्सपेंड कर चुके होते हो, आप एक्सपेंडिचर कर चुके होते हो, तो उस चीज को भी रिड्यूस करना है, उस चीज को एलिमिनेट करना होता है. टू एलिमिनेट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर और डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर. थर्ड वन इज के आपका पर्पज क्या है कि आप ट्रेन टू डिवेलप द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अकम्पलिश अ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ये आपका ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ प्लानिंग कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्पलिश करने के लिए अपने कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन करना है, एक डिवेलप करना है कि वो किस तरह हो सकता है. ठीक है, इन अ ब्रॉडर सेंस प्लान फॉर्मेशन इज द बेसिक सब्जेक्ट जिसकी इवेल्यूएशन, जिसके एग्जीक्यूशन और इवेल्यूएशन से आप कोई भी चीज आप अचीव कर सकते हो. स्टेप्स इन प्लानिंग, अब ये जो स्टेप्स इन प्लानिंग है ये हम वन बाय वन हमने अभी पढ़ा है. ठीक है, इसको दोबारा हम रिवाइज करेंगे. फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग नीड असेसमेंट, कि आपकी नीड असेसमेंट क्या है, उस चीज को आपने कंडक्ट करना है, उस चीज को आपने देखना है कि आप नीड असेसमेंट क्या क्या है. देन यू शुड डिटरमिन योर प्रायोरिटीज, देन यू शुड डेवलप गोल्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज, देन देयर शुड बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंस्ट्रेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन, देन लास्टली इम्प्लीमेंटेशन, सुपरविजन, इवेल्यूएशन एंड रिविजन. सो कंडक्टिंग नीड असेसमेंट, ये आपने देखना है कि आपने एक नीड असेसमेंट को आपने किस तरह देखना होता है. ठीक है, सबसे पहले बेटा आपने ये देखना होता है कि आपने डिफाइन करना है एक प्रॉब्लम को, उसकी एक्सटेंट को और उसकी सिवियरिटी को. ठीक है, और उसके बाद आपने देखना होता है ये देखना होता है कि ऑब्टेन द प्रोफाइल ऑफ टारगेट कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के जो है टारगेट कम्युनिटी की प्रोफाइल को देखना है कि वो किस जगह से बिलोंग करती है, कैसी है और किस तरह की है. एंड इन द एंड टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम बाय ऑब्टेनिंग बेसलाइन इंफॉर्मेशन एंड कंपेयरिंग विद इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड एट अ लेटर डेट. अगर आपका फंड नहीं है, इफ यू हैव नो फंड्स, तो देन यू शुड कोऑर्डिनेट विद द रिसर्च एक्टिविटीज ऑफ अदर एजेंसीज interested in obtaining similar health for information on the given population. Then you should invite and also investigate surveys that have already been done by in the past by organizations, taki us survey se aapko help mil sake. Then you should also acquire data, questionnaire, examination, personal communications. Jo information gather hoti hai wo kya kya hai. फर्स्ट वन इज जनरल इंफॉर्मेशन,
जनरल इंफॉर्मेशन में बेटा तुम्हें बताया था कि क्या क्या आ जाता है उसमें। आ जाता है आपके पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, डाइट आ जाती है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाता है, एथनिक बैकग्राउंड आ जाता है, एंड सो ऑन एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। स्कूल सिस्टम आ जाता है, एजुकेशन सिस्टम आ जाता है आपके पास, पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंटल डिजीज वो किस तरह की है, करंट स्टेटस ऑफ डेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स वो किस तरफ जा रहे हैं, पॉलिसीज आप किस तरह बनाते हो, ठीक है, एंड फंड्स फैसिलिटीज एंड लेबर एंड प्रिवेंटिव डेंटल एग्जिस्टिंग प्रोग्राम जो रहते हैं वो कौन से, जिसमें एक आपके पास एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है कौन सा वाला है? That program is dental fluorosis. Analysis of data, beta. Analysis of data में सबसे पहले आपने ये देखना है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है आप लोगों के पास, आपने जो डेटा अपने लोगों का लिया है, कम्युनिटी का लिया है, उस कम्युनिटी में कौन कौन से लोग अपर क्लास में आते हैं, कौन कौन से मिडिल क्लास में आते हैं, कौन कौन से लोअर क्लास में आते हैं, ठीक है जी। पॉपुलेशन बैकग्राउंड क्या है, ठीक है जी। कल्चर लैंग्वेज इशूज तो नहीं है उसमें कोई, एज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं हम लोग, स्कूल का स्टेटस क्या है, एजुकेशन का स्टेटस क्या है, नंबर ऑफ डेंटिस्ट उस एरिया में क्या है, कितने हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, ताकि अगर किसी बंदे को अगर कोई नीड है, ट्रीटमेंट नीड है, तो किस तरीके से वो हेल्थ केयर सिस्टम के पास पहुंचता है। फ्लोरिडेशन के बारे में आप देखने पड़ता है आपने, और इसके अलावा आपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में भी देखना होता है, क्या क्या हेल्थ फैसिलिटीज हैं उस एरिया में या उस कम्युनिटी में। डिटर्मिनिंग प्रायोरिटीज, सेकेंड स्टेप इज डिटर्मिनिंग प्रायोरिटीज। इट इज अ मेथड ऑफ इम्पोजिंग पीपल्स वैल्यू एंड जजमेंट ऑफ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इनटू द रॉ डेटा यूज्ड। ओके, सेटिंग प्रायोरिटीज अमंग प्रॉब्लम्स कैन मिनिमाइज can be elicited through needs assessment for ranking solutions to problems. इसमें आपने क्या करना होता है, आपने देखना होता है कि who needs the care most, किन लोगों को आया कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनको care सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन सी एज के लोग हैं जिनको care ज्यादा जरूरी है, एंड what are the diseases that affect large number of people, जो मोस्ट कॉमन डिजीज हैं वो कौन सी हैं जो कि इफेक्ट कर रही हैं। फिर आपने हाई रिस्क ग्रुप्स भी देखने होते हैं, फॉर एग्जांपल हाई रिस्क ग्रुप्स के हैं ऐसे लोग जो कि पान खाते हैं या स्मोकर्स हैं, उनके अंदर वो दे आर हाई रिस्क ग्रुप्स ऑफ व्हाट, ओरल कैंसर। देन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज। Program goals are broad statement on the overall purpose of program to meet the defined problem. के क्या हो सकते हैं program objectives क्या हैं, problem के objectives क्या होंगे? They should be more specific. They should describe in a measurable way to describe a desirable end result of program activities. Okay. Identification of programs and resources and constraints. So resources to be considered कौन कौन से हैं आपके पास, personal equipment क्या क्या हैं आपके पास, supplies क्या क्या हैं, facilities क्या क्या हैं, financial resources क्या हैं आपके पास। Criteria to determine what resources to be included. First one appropriateness. Second is adequacy. Third one is effectiveness. And fourth one is efficiency. इनके बारे में अगर आप इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई appropriateness क्या है, the most suitable resources, what are the most suitable resources to get the job done for us, this is appropriateness. Adequacy कि हमारे पास जो भी resources हैं क्या वो किस, क्या वो एडवोकेट हैं, क्या हमारे पास वो जो रिसोर्सेज हैं आर दे गुड इनफ टू कैरी आउट द रिजल्ट। इफेक्टिवनेस इट रेफर्स टू हाउ कैपेबल द रिसोर्सेज आर एट फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव। एफिशिएंसी इज रेफर्स टू द कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ टाइम एक्सपेंडेड टू कंप्लीट द जॉब। ओके,
कंस्ट्रेंट क्या क्या हो सकते हैं? लैक ऑफ फंड्स, पहली चीज. फर्स्ट है. सेकेंड इज लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट. थर्ड वन इज लैक ऑफ वर्किंग स्टाफ. देन लैक नो फैसिलिटीज. ठीक है, फैसिलिटीज जो है वो आपको किसी भी चीज को आप देखने के लिए कि आपके पास फैसिलिटीज हैं उस चीज को करने के लिए, वो नहीं, वो ना हो तो वो भी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है. एंड नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी टूवर्ड्स टूवर्ड्स अ सोल्यूशन. ये एक बहुत बड़ा, ये हमारी एक प्रॉब्लम है, हमारे एक हमारी कम्युनिटी में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बल्कि मैं ऐसे कहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है हमारा, हमारी हमारे जो है ना यहाँ पे कम्युनिटी का. और वो क्यों है, जिस तरह के आप अभी भी देख सकते हो कि अभी ये कोरोना वायरस के पेंडेमिक में आपके पास, हमारे पास जो भी हमारी कम्युनिटी है उसका जो एटीट्यूड है हमारी कम्युनिटी का, वो क्या है. अभी तक हम लोग ये समझ रहे हैं कि दिस कोरोना वायरस इज अ कंस्पिरेसी, दिस कोरोना वायरस डज नॉट एग्जिस्ट, दिस कोरोना वायरस कोरोना वायरस के नाम पे लेके लोग जो डॉक्टर्स हैं दे आर किलिंग द पेशेंट्स. ये सारी चीजें हैं, ये दिस इज द नेगेटिव एटीट्यूड. ओके, एंड देन लास्टली दैट इज जो आपके पास जो कंस्ट्रेंट है वो है लैक ऑफ टाइम. आपके पास, आपने एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आपने डिजाइन कर लिया, लेकिन यू डू नॉट हैव टाइम टू कैरी आउट दैट दैट प्रोजेक्ट. तो इस चीज को भी आपने देखना होता है. देखें, ये वो सारी वो चीजें हैं, देखें कंस्ट्रेंट, ये वो चीजें हैं, ये कंस्ट्रेंट जो हैं, ये जो कि आप अपने प्रोजेक्ट में अगर करोगे, इसको देखना पड़ेगा आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट में. अगर नहीं देख पाओगे तो इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू. और क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या होंगे, वो आपके ये होंगे कि भाई आपने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उठा लिया जिसके पास जिसको करने के लिए एग्जीक्यूट करना आपके पास फंड्स हैं ना, तो आपके पास ट्रांसपोर्ट है ना, तो आपके पास स्टाफ है, और उसके बारे में, और दूसरी बात ये है ना, तो आपके पास टाइम है. तो आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है. ठीक है जी, ओके. नाउ ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? मेरा ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज अपनाते हुए, अपने रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए और आपके कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, अगर आपके पास एक ऐसा प्लान है, ऐसा प्रोजेक्ट है या ऐसा सर्वे है जिसमें बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट हैं, तो उसके लिए आपने कोई ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज बनाई हैं? आपने अगर बनाई है, प्लान ए है, प्लान ए काम नहीं कर रहा, तो प्लान बी क्या है, और प्लान बी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या आपने प्लानिंग की है, क्या उसको आपने एग्जीक्यूट करने के लिए आपने उसकी नीड असेसमेंट की है, उसकी इवेल्यूएशन की है आपने, वो भी आपने देखना है. ठीक है, देन कम्स इम्प्लीमेंटेशन, सुपरविजन एंड इवेल्यूएशन एंड रिवीजन. This is the process of putting the plan into operation, and it is called implementation phase. Okay, rules for implementation is specify clearly the activities. Be sure someone is responsible for whole activity and coordinates individuals who may carry out the different tasks. आपको भी जो ग्रुप दिया जाएगा, आपको जो ग्रुप बनाया गया है एक प्रोजेक्ट के लिए, आपके ग्रुप में यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. आप डेटा कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर आप उस डेटा को एनालाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और उसके, या फिर आप रिजल्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. ओके, आइडेंटिफाई ऑल प्रिपरेटरी स्टेप्स बिफोर डूइंग एक्टिविटीज, लिस्ट द स्टेप्स इन ऑर्डर इन विच दे मस्ट अकर, check for missing steps that must be added, then determine when each step should begin and end, consult organization affected by activities and identify potential problems, opportunities and so on. Then you have to specify the resources that you will be needing and their sources, उसको भी आपने identify करना है, and then you have to specify what constraint
आर देयर दैट यू पे फॉर ट्रिप्स एड्रेस करना है, ठीक है. मेक श्योर ऑल पीपल इन्वॉल्व इन जो कि इन्वॉल्व है नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड बाय व्हेन. Now there is monitoring and evaluation and revising the program. Continuous surveillance of all activity is very important. The project that we give you, उसमें हम लोग we will be continuously doing surveillance of all of your activities. And आपका जो leader है उस group में जो कि research कर रहा होगा वो भी surveillance कर रहा होगा, ठीक है. Success is determined by four things. फर्स्ट वन इज कि आप लोगों ने अपने जो प्रोग्राम है क्या उस प्रोग्राम में अपने ऑब्जेक्टिव मीट किए हैं. सेकेंडली क्या आपने आपके जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने अपनी जॉब की है. थर्ड वन इज कि आपके इक्विपमेंट जो है वो वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है उस काम के लिए. एंड फोर्थ वन इज हाउ अप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट फैसिलिटीज आर, कि आपको कितनी कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं या आपके पास कितनी फैसिलिटीज हैं. अगेन मैं ये एक आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ जो कि आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है. उसमें सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम देखने, उस आइडेंटिफाई प्रॉब्लम से आपने क्या करना है कि दो डिफरेंट जगह पर आपने नीड असेसमेंट को कंडक्ट कराना है. उसके लिए कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, अपने अपने प्रायोरिटी सेट करनी होती है और उससे फिर आप प्रोग्राम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आप डिफाइन करते हो और उससे फिर आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको आइडेंटिफाई करते हो. आपने आइडेंटिफाई आपने क्या करना होता है, कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज. उससे क्या होता है, देन यू गो टू द गिवन द रिसोर्सेज एंड कंस्ट्रेंट, चूज दोज एक्टिविटीज दैट विल बी मोस्ट इफेक्टिव. And then you should develop implementation strategy कि आपने किस चीज़ को किस तरह करना है एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करना है, मोनिटर करना है, इवेल्यूएट करना है एंड रिवाइज करना है इसी तरीके से. ओके नाउ कम सर्वे. सर्वे इज एन इन्वेस्टिगेशन इन विच इंफॉर्मेशन इज सिस्टमेटिकली कलेक्टेड बट इन विच एक्सपेरिमेंटल मेथड इज नॉट यूज. ये एक बहुत बड़ी आपको मैंने स्टेटमेंट दी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. बेटा बिफोर वी लीव ये हम लोग थोड़ा सा एक दोबारा इसको कर ले. फर्स्ट वन इज सर्वे प्लानिंग एंड इवेल्युएशन. अ प्लान इज अ डिसीजन अबाउट अ कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपके पास जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसका प्लान किसना करना है, वो प्लान क्या है. अच्छा वो प्लान जो है सिस्टमेटिक अप्रोच टू डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, सेटिंग प्रायोरिटीज, developing specific goals and objectives, determining alternative strategies and a method of implementation. एक पूरा पूरी डेफिनेशन है जिसको एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है जिसको हमने एक एक पेज पे आपको जो चार्ट दिया गया था उसकी एक डेफिनेशन है ये है. Then purpose of planning क्या है, first plan, the first purpose is to manage the limited resources with many problems. To eliminate wasteful expenditure or duplication of expenditure. Third one is to develop the best course of action to accomplish the defined objective. Steps in planning kya hai, conducting need assessment, determining priorities, development of goals, objectives and activities, identification of resources and constraint, implementation, supervision, evaluation and revision. ओके नीड असेसमेंट के सबसे पहले आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं इस कम्युनिटी में. आपने उस कम्युनिटी की प्रोफाइल को देखना होता है कि इस कम्युनिटी की प्रोफाइल में क्या क्या चल रहा है,
कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स हैं, कौन कौन से सोशल ग्रुप्स हैं, कौन कौन से एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, और उसको इवेल्यूएट करना होता है. एंड इफ यू हैव नो फंड्स यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद. If you have no funds, you have to coordinate with research activities of other agencies that are interested in obtaining similar health information on the given population. Investigate surveys that already have been done, or usko apne evaluate karna hai. The data jo aapko mil jayega, wo questionnaire, examination, personal communication se mil jayega. जो इंफॉर्मेशन गैदर करनी है वो जनरल इंफॉर्मेशन होती है. जनरल इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आपने सोशल इकोनॉमिक स्टेटस देखना होता है, एजुकेशनल स्टेटस देखना होता है, उसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन देखनी होती है. देन कम्स पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंटल डिजीज, करंट स्टेटस ऑफ डेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, पॉलिसीज आपने देखनी होती है, फंड्स, फैसिलिटीज एंड लेबर्स को आपने देखना होता है, प्रायोरिटी डेंटल प्रोग्राम एग्जिस्टिंग जो होते हैं वो देखने, एनालिसिस ऑफ डेटा आपने देखना है. एनालिसिस ऑफ डेटा में आपने सबसे पहले क्या देखना है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या क्या आ रहा है आपके पास. और ये वाले कंस्ट्रेंट के बारे में दोबारा बात करूंगा. कंस्ट्रेंट इज व्हाट के जो आपको आपकी जो भी आपकी एक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने के लिए आप जो भी एक्टिविटी ले रहे हो उसको देखने के लिए होता है. फर्स्ट वन इज योर फंड्स, सेकंड वन इज योर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, थर्ड वन इज योर आपके पास जो वर्किंग लेबर है वो. देन नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ the people of the community and lack of time. Alternate strategies aapne dekhni hai. ओके, दिस इज द लेक्चर. लेक्चर की जो एक समरी होती है वो अगर आप कहते हैं कि आप किसी भी लेक्चर की समरी है, दिस इज द लेक्चर समरी ऑफ दैट ऑफ व्हाट वी हैव टॉट एंड दैट इज आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम दैट इज कंडक्ट अ नीड असेसमेंट, और उसके लिए आप डेटा कलेक्ट करते हो और उसे एनालाइज द डेटा करते हो, और उसकी वजह से आप डिटरमिन द प्रायोरिटीज करते हो. Priorities determine करके you develop programs of the goals, objectives and activities. और उसके बाद फिर आगे फिर उसको देखते हो कि आपके पास कौन कौन से resources हैं, कौन कौन से constraints हैं, कौन कौन से alternative strategies हैं. Given the resources, constraint and choose those activities that will be most effective. और उसके बाद यहाँ पे आप immunity strategy implementation करते हो, implementational जो strategy वो करते हो. और उसके बाद एक वो प्रोसेस स्टार्ट था जो कि एक कंटिन्यूस प्रोग्राम स्टेप है, दैट इज इंप्लीमेंट, मॉनिटर, इवेल्यूएट एंड रिवाइज. ये वो चीज है जो कि एक ऑनगोइंग फेज है, एक 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 साइकिल में चल रहा होता है कि आप इंप्लीमेंट करते हो, उसको मॉनिटर करते हो, उसके बाद इवेल्यूएट करते हो, और उसके बाद उसको रिवाइज करते हो. ठीक है, सो दीज आर द फोर थिंग्स. टुमारो वी विल स्टडी द सर्वे, जो कि सर्वे चल रहा है. सर्वे सर्वे क्या चीज होती है, पहले प्लानिंग तो हमने आपने आज पढ़ी है. ठीक है,